लंबे अरसे से शरद पवार और अजीत पवार के बीच दूरियां बढ़ रही थी, तनातनी जारी थी, सब कुछ सामने दिख रहा था। आपको चार पॉइंट्स के जरिए जरा समझाते हैं कैसे शरद पवार को भतीजे अजीत पवार पर भरोसा करना महंगा पड़ा। जब 2019 में अजीत पवार ने 72 घंटे के लिए डेप्यूटी सीएम बनकर दिखाया, अजीत पवार ने बड़े दावे किए, लेकिन नंबर गेम में चाचा की पॉलिटिक्स के आगे वो पूरी तरह से फेल हो गए। दूसरी बार फिर साल की शुरुआत में अटकलों का बाजार गर्म रहा कि एनसीपी में फूट पड़ सकती है, अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं या फिर एनसीपी के दो फाड़ किए जा सकते हैं, लेकिन पवार ने इसे अफवाह बताया और काफी दिनों तक वो संभालने में मामला को कामयाब भी रहे। फिर शरद पवार ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब फिर एक बवाल हुआ। अजीत ने उन्हें समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, वहां पर दुखी दिखे तो प्रफुल्ल पटेल दिखे, छगन भुजबल दिखे। शरद पवार लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे, लेकिन अजीत पवार अपने चाचा से उलट मोदी और अमित शाह की तारीफ करते रहे, प्रशंसा करते, यहां तक कि अजीत ने नरेंद्र मोदी की तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी से कर दी। यानी संकेत साफ थे, अजीत पवार का क्या कहना है अब आइए आपको दिखाते। इधर अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है तो दूसरी तरफ शरद पवार गुट अपना दावा ठोक रहा है, यानी चाचा और भतीजे के बीच पार्टी की खींचतान शुरू हो गई है। सवाल यही है कि एनसीपी का बॉस कौन है? चिन्ह कुणाकडे त्या संदर्भामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी कळेल, आमचं आम्ही म्हणजे पक्ष आहोत। शरद पवार की तरफ से बागियों को पार्टी से निकालने का आदेश जारी हो चुका है तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट ने बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष और चीफ व्हिप को बदल दिया। मतलब अब दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर अपने अपने आदेश निकाले जा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल का ये दावा है कि सब कुछ पार्टी के संविधान के हिसाब से किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के निमित्त 21 जून 2023 को मुझे हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं कि जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी, उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। अजित पवार के गुट का दावा है कि कानून के हिसाब से विधानसभा स्पीकर को जानकारी दे दी गई है, यानी पार्टी पर अपने कब्जे की बात दोहराई। सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधि मंडल जो पार्टी है इसके नेता श्री अजित पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। शरद पवार के भतीजे और करीबियों समेत कुल 9 लोगों ने बीते दिन शपथ ले ली एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार में, जिसमें से 4 नेता तो ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहले से चल रहे हैं और ये आरोप कोई और नहीं बीजेपी के ही नेता उन पर लगाते थे। अजीत पवार पर आरोप अगर देखें तो हम आपको बताते हैं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन पर जांच कर रही है जिसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी पर भी शक है। अब आपको बताते हैं हाल ही में ईडी ने कोऑपरेटिव घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें पहले अजीत पवार उनकी पत्नी से जुड़ी शुगर मिल्स की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया गया था। हालांकि बाद में अजीत और उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम चार्जशीट से ईडी ने हटा भी दिया था। दूसरे नंबर पर नाम है छगन भुजबल का, तो आइए बताते हैं 2015 में छगन भुजबल के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस दर्ज किए थे। एक केस में प्लॉट देने की अनियमितता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, दूसरा केस नए महाराष्ट्र सदन की इमारत के निर्माण में करप्शन के आरोपों को लेकर रहा है।
न्यू महाराष्ट्र सदन वाले करप्शन के केस में भी भुजबल की गिरफ्तारी तक हो चुकी है। अभी वो जमानत पर बाहर है और देखिए सरकार के लिए साथ में वो शपथ ले रहे हैं। दोनों केस में अभी ट्रायल होनी बाकी है। अब बात प्रफुल्ल पटेल की, जिन्हें शरद पवार ही सियासत में लाए और उन्होंने ही आगे बढ़ाया, राज्यसभा से सांसद पहुंचाते रहे। प्रफुल्ल पटेल भी कल बाकी नेताओं के शपथ समारोह में शामिल रहे, वो भी लगातार अब बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दाऊद के सहयोगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रफुल्ल पटेल ईडी की जांच की रडार पर पहले से हैं। साथ ही एविएशन स्कैम से भी जुड़े केस में ईडी जांच कर रही है और वो आरोपी है। दाऊद के साथ ही इकबाल मिर्ची से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संबंध को लेकर ईडी प्रफुल्ल पटेल से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में तीन बड़े नेता तो हमने आपको बता ही दिए, अब चौथे नेता हैं हसन मुश्रिफ। बहुत दिलचस्प है इनकी कहानी। इनके खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच कर रही है। केस हसन मुश्रिफ और उनके परिवार से जुड़ी हुई शुगर मिल्स के घोटाले को लेकर है। इनके घर को पिछले 2 महीने से लगातार 2 बार छापा तक ईडी कर चुकी है। और दिलचस्प ये बात है कि बीजेपी के ही किरीट सोमैया लगातार अनशन कर रहे थे कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, इनकी जांच हो, और ऐसे में अब वो मंत्री बन गए हैं उसी सरकार में। जो बागी है वो दागी है। अब विपक्ष यही आरोप लगाता है कि बीजेपी के हाथ में लाते ही दाग गायब कैसे हो जाते। राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध पद्धतीने पार पाडी। अजित पवार ने शपथ ले ली, शरद पवार सतारा में सड़कों पर निकल गए और द पवार पावर गेम में चाचा भतीजे के फैमिली बंटवारे ने विपक्षी कुनबे में खलबली मचा दी। अब विपक्षी एकता वाली अगली महाबैठक के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब बैठक मानसून सत्र के बाद तक के लिए टाल दी गई है। बगावत के जले अब बैठक भी फूक फूक कर करना चाहते हैं। वर्तमान की भाजपा ने पॉलिटिकल मोरालिटी के सवालों को डस्टबिन में डाल दिया। उनके लिए कुछ नहीं, सत्ता चाहिए। सरकार चुराने में माहिर है, सबको तोड़ना चाहते हैं धीरे धीरे, लेकिन किसी भी हालत में अगर कोई भी टूट जाए या छोड़कर चले गए, फिर भी महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी और हम सब 2024 के चुनाव के लिए एक साथ रहेंगे। अब बवंडर सिर्फ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी एकता पर संकट है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सबने शरद पवार को फोन किया, कहा ये क्या से क्या हो गया। विपक्ष गुस्से में है और बीजेपी पर हमलों की बाढ़ आ गई। सब बीजेपी की तोड़फोड़ नीति पर टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जेडीयू आरजेडी में फूट से लेकर यूपी में जयंत चौधरी और शिवपाल यादव की अखिलेश यादव पर डगमगाती श्रद्धा की खबरों के बीच सब अपनी अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती में भी बिजी हो गए हैं।